हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो है अपना आज का, ये किसी भी ना तो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है या ना किसी, आप जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है उनमें से किसी भी सीरीज का ये वीडियो लेक्चर नहीं है, तो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो कम्प्लीटली जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से अभी जो टाइम टेबल आया है कल, उसकी इन्फॉर्मेशन और जो उसके आगे जो कैसा काम आपको करना है, क्या करना है, उसके लिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था। ठीक है, कंप्लीट। तो आपके लिए कोई काम का वीडियो नहीं है, जो कंटिन्यू सी से नेट के वीडियो विजिट कर रहे थे या फिर YIT जेम का जो वीडियो विजिट कर रहे थे उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये ओनली फॉर BSc और MS, जो MSc है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, जो एग्जाम का जो इन्फॉर्मेशन आया है कल एग्जाम के रिलेटेड में, उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी और किसी के लिए पर्पज नहीं है। ठीक है, जो आपका वीडियो है वो मिल जाएगा आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का थोड़े देर टाइम के बाद, तो उसमें भी आज जाके आप विजिट कर लें। ठीक है, बात आती है, देखो भाई अब सभी, हाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों, एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने टाइम टेबल डाला है, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होंगे, तो भ्रम दूर हो गया होगा कि आपको एग्जाम होंगे, आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। प्लस बात जो रही बात MSc वालों की, MSc प्रीवियस वाले को कल एक वर्ड लिख के आ गया ऊपर और उसके लिए आप थोड़े से परेशान हो रहे थे, उसके लिए मेरा वीडियो बनना था। MSc के एग्जाम जो प्रीवियस के हैं उनके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, उनका ये नहीं है कि फिक्स नहीं है एग्जाम। ठीक है, बट उन्हीं डेट पे जिस डेट पे MSc प्रीवियस के एग्जाम थे, उन्हीं डेट पे MSc फाइनल के जो एग्जाम के जो ड्यू पेपर्स चल रहे हैं उनके एग्जाम्स हैं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, क्या कंफर्म है कि जो MSc का जो बचे हुए ड्यू पेपर्स हैं MSc प्रीवियस में किसी फाइनल वाले बच्चे के, तो जो MSc प्रीवियस का टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनके ड्यू पेपर्स लगेंगे 101%। क्लियर है ये बात, तो आपको तो तैयारी करनी है फाइनल वालों। अब देखो बात रही, अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है कि चलो एग्जाम कैंसिल हो गई या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। देखो जो बच्चे अभी जिनको एग्जाम देने हैं फाइनल वाले, ठीक है, वो एक चीज नोट करो, एग्जाम कैंसिल भी होगी तो आप तक इंफॉर्मेशन आएगी ना। मान लो कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुई, आप जिस वे में चल रहे हो अभी भी, मैं कल भी लाइव आने के बाद भी मैं अभी ये चीजें देख रहा हूँ। देखो कि व्हाट्सएप में काफी ग्रुप्स में जुड़ा हुआ, ऐसी कुछ बात नहीं, पढ़ता नहीं कई मैसेजों को, बट ये है कि मैसेज तो आते रहते हैं ना, मुझे पता चलता रहता है कि मैसेज आ रहे हैं इस ग्रुप में, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहे हैं, कौन, तो सब चीजों को पता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि एग्जाम हुई तो आपको क्या लगता है 120 दिन के बाद आपको कुछ याद है कि नहीं? बीएससी वालों की बात कर रहा हूं अभी मैं, एमएससी वालों की बात नहीं कर रहा, बीएससी वालों की। ठीक है, तो कुछ अभी ऐसा है कि आपको 120 दिन के बाद, कुछ स्टूडेंटों का तो मेरे को कॉल आया, रियलिटी मानो ये, हंसने वाली बात नहीं कि सर हमारे हमारे पास नोट्स ही नहीं, पता नहीं कहां गए, हम ये पूरा विश्वास था हमें कि एग्जाम नहीं होंगे और हमारे हैं नहीं नोट्स हमारे पास, ये बहुत बड़ी बात, अभी इनके पास नोट्स ही नहीं, ये बात हुई है कल, कम से कम भी व्हाट्सएप मैसेज आए मेरे पास, खूब फोन आए, तो उनके पास नोट्स ही नहीं। अब देखो गलती से आपके पास कितने दिन बचे, 20 दिन। देखो तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है पूरी। मैंने कल भी लाइव आके यही बात बोली थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो IIT जेम कर रहे थे, किसी कारणवश उनका नहीं हुआ बेचारों का, और वो मान लो मन से तैयारी की थी उन्होंने बट नहीं हुआ, किसी भी कोचिंग से की हो, सभी एक कोचिंग वाले मेहनत करवाते हैं, सभी स्टूडेंट अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट मेहनत करते हैं, अपने तय दिल से मेहनत करते हैं, मान लो किसी कारणवश नहीं होता तो नहीं होता, पर उनका एक ड्रीम था कि चलो राजस्थान यूनिवर्सिटी से MSc कर लेंगे, था ना। पर अब उनके लिए क्या होगी, चुनौती हो गई है, क्योंकि वो IIT जेम की तैयारी कर रहे थे तो किसी परसेंटेज बेस को आप वो इंक्लूड नहीं कर रहे थे, ठीक है चलो 60 आगे चलो काफी 60%, तो अब क्या है मेरिट बेस पे जाएगा, तो उनके लिए भी क्या है यार परसेंट गेन करो कैसे भी करके, अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ अभी पढ़ाई करो, उसके बाद अभी नहीं होने वाला CU, DU, BHU वगैरह के एग्जाम, तो आप एक काम करो उनके साथ साथ अपनी अच्छी तैयारी चालू करो। अभी देखो अभी भी BSc के ग्रुप मैसेज आ रहे हैं, तो अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी एग्जाम का कुछ ऐसा आता है कि कैंसिल होगा या नहीं होगा या कुछ भी होगा, तो जो भी छात्र नेताएं हैं आपके, जो भी जितने भी लोग हैं आपसे जुड़े हुए, वो अपना काम कर रहे हैं, गलती से वो अपना सफल हो जाते तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यदि वो एग्जाम
हो जाती हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा एक कहना है कि वापिस से बोल रहा हूँ, नोट्स इकट्ठे करो कहीं से भी और कंप्लीट करके अपने 6 से 7 घंटे की स्टडी तैयारी करो। अब बीएससी वालों के लिए बात रही, फिजिक्स के पेपर तो हो चुके होंगे ठीक है, और बीएससी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर अभी आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो भाई। नहीं, थर्ड ईयर का जो भी कुछ आपको पढ़ सकते हो पढ़ो, जब भी कुछ क्लासेस स्टार्ट हो तब ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन कर लेना, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन कर लेना, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मौका आपके पास, धमाधम तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ भी अभी तक यही एक इन्फॉर्मेशन, बढ़िया से बढ़िया तैयारी करो। आपका भी एग्जाम की 99% नहीं होने की संभावना है ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 99% संभावना है आपके नहीं होने की। तो कम से कम आप उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने जिस ड्रीम पर जा रहे हो उसी की तैयारी करने लग जाओ आज से ठीक है। आपको कोई ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है बीएससी सेकंड ईयर वाले ठीक है ना। थर्ड ईयर में देखो, मैं वैसे तो नाम नहीं लेता किसी भी कोचिंग का, बट देखो अभी मुझे पता है कि आपको जब डायनेमिक्स पढ़ाई जाती थी तभी आपके वो रहते थे, कंफ्यूजन रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं। बट याद रखो कि अब जो है मौका है, क्योंकि आप भूल चुके हो कंप्लीटली, जब कोचिंग करते थे रेगुलर थे तभी आपको डाउट थे, तो अब तो बहुत डाउट्स होंगे और काफी, कल ने ऐसा एक पेपर आ जाता है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओ तो नुकसान होगा ना। तो देखो मैं वैसे किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर दो सर पढ़ा रहे हैं मोनी के लिए, आपके फेवर के लिए बात कर रहा हूँ ठीक है। मुझे दोनों दोनों सर ही बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। पर देखो जैन सर पढ़ा रहे हैं, जैन सर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और भास्कर सर पढ़ा रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर करो क्यों, क्योंकि 120 दिन हो चुके हैं, कैसे भी करो है ना। डायनेमिक्स के लिए तो जरूर कांटेक्ट करो है ना 101%। तो दोनों में से ही क्या हो सकते हैं, आपको तो बेनिफिट होगा ना, और वो कुछ भी कर रहे हो आप ही के लिए कर रहे हैं तो 101% बेनिफिट होगा। तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी फेसबुक वगैरह पे उनके कांटेक्ट नंबर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लो ठीक है। जो भी है सर, जैन सर कुछ अमाउंट रखा है और भास्कर सर यूट्यूब पे हैं, तो आप दोनों उसका ही एक बार विजिट कर लें, आपको जहां से बेटर लगे, क्योंकि आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, और जो भी आपको कंप्लीट करा सके वहां से आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपको काफी दिन हो गए हैं मैथ्स भूले हुए, और मैथ्स छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है भाई ठीक है ना। कहीं गलती से कम नंबर आ गए तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप कंप्लीट रूप से आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कीजिए ठीक है। यहाँ तक बीएससी वाले देखें, उसके बाद बीएससी वालों के काम की चीज नहीं है। हाँ बीएससी वालों के भी काम की चीज है भाई, ध्यान रखिए थोड़ा सा आगे। देखो जो एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अभी थोड़े दिन के बाद अनाउंस हो जाएंगे, जब भी होगा मैं डाल दूंगा आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन होगी ठीक है। प्लस जो भी जिन्होंने एग्जाम भर रखे हैं सीयू डीयू बीएचयू जेएनयू, इनके भी अनाउंसेज होने वाले हैं थोड़े दिन के बाद, अभी थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होती उनके एग्जाम की डेट आ जाएगी ठीक है। प्लस बात एक चीज देखो कि एमएससी वाले देखो भाई फाइनल वाले ठीक है, एमएससी फाइनल वाले देखो एक बार ठीक है। एमएससी फाइनल में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आज ही, देखो गेस पेपर तो मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में ठीक है, कुछ राहत तो मिलेगी उससे आपको 101% है ना। देखो अभी बोल रहा हूं, सबसे पहले आज ही उठाओ एक्यूएम ठीक है, एक्यूएम को उठाओ, क्योंकि वो आप जितनी पढ़ोगे ना उतनी भूलोगे। तो इससे अच्छा है आप ऐसे स्ट्रेटजी से बनाओ कि पर डे आपकी 2 यूनिट होनी चाहिए फिलहाल। ये कब था, जब आपकी एग्जाम बहुत पहले थी, अब आपकी यूनिट होनी चाहिए 4, कैसे भी करके पर डे 4 यूनिट, जिसमें से आपकी 1 यूनिट एक्यूएम की, 1 यूनिट सॉलिड की, और 1 यूनिट किसकी होनी चाहिए माइक्रोवेव की, और 1 यूनिट होनी चाहिए न्यूक्लियर की ठीक है। न्यूक्लियर की आप जो भी एक एक यूनिट करोगे तो साथ साथ चलने दो। जब आपका पहला पेपर है ठीक है 15 को, तो 13 से ही आप क्या कर देना, फर्स्ट पेपर सॉलिड स्टार्ट कर देना, क्योंकि सॉलिड इजी सब्जेक्ट है। तो आप यदि 14 से भी पढ़ोगे तो 14 पूरा दिन पढ़ोगे, और 15 को आपके 2 बजे से पेपर है तो वो भी आपको 6 आवर का टाइम मिल जाएगा, तो काफी होता है एक ही सब्जेक्ट को लगातार कंटिन्यू पढ़ने के लिए। तो मेरी बात माने, पहले आप कंटिन्यू पढ़ो, एक एक यूनिट करते जाए ठीक है। उससे क्या होगा कि जो सेक्शंस हैं, क्योंकि राजस्थान स्ट्रीम तो सेक्शन है ना, तो वो भी सेक्शंस, पहले यूनिट चलती थी उन्हीं सेक्शन को कन्वर्ट किया गया। तो आप एक काम करोगे, जैसे ही 2 यूनिट कर ली ना, तो सेक्शन ए का मोस्टली पार्ट आपका कवर हो जाएगा।
तो फिर आप क्या करो, 3 यूनिट कर लो, उसके बाद आपका सेक्शन ए तो कंप्लीट है, इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और 2 यूनिट आगे से कर लेना, तो सेक्शन बी आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बात बोल रहा हूँ एक्यूएम की तैयारी अच्छी रखो, एक्यूएम का पेपर अच्छा आता है, तो एमएससी फाइनल में प्रीवियस वाले ध्यान दें, कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है, कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है। जब भी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, तब तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है। फालतू के अंदर यदि एमएससी का सपना लेके बैठे हो तो वो सपना तुरंत बिखर जाएगा, पहले बोल रहा हूँ यदि एग्जाम हो गए तो। एमएससी प्रीवियस का रिजल्ट ऐसे नहीं है कि बीएससी की तरह कुछ जा रहा है, आपको खुद को पता चल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, ये ना परसेंटेज 80-90 है वैसे नहीं आते उसके अंदर, ठीक है ना, अभी पता लग जाएगा आपको जब रिजल्ट आएगा। तो ध्यान रखें किसी भी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, बीएससी वाले फाइनल ईयर वालों को उन्हें पढ़ते रहें, जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको करने दें, जो भी ऑफिशियल न्यूज होगी आप तक पहुंच जाएगी, पर प्लीज कंटिन्यू अपनी स्टडी करो रखिए, ताकि आपको जब भी एग्जाम हो तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिले कि आप जो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। एमएससी प्रीवियस वालों को भी फाइनल रखनी, एमएससी फाइनल वालों को भी, और बीएससी फाइनल ईयर वालों को। ठीक है, नोट्स के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कल अपने फेसबुक पेज पे आया था धनपाल प्रजापत, उसका उस पर कमेंट आया हुआ है, उसके पास सारी पीडीएफ्स हैं, तो जिस बच्चे को बीएससी की पीडीएफ नहीं मिली वो धनपाल प्रजापत मेरी फेसबुक में जाके लाइव सेशन के अंदर उसके कमेंट में उसके नंबर पड़े वहां से, और यदि नहीं है तो आपके पास मैं दे दूंगा, उसके पास सारी पीडीएफ्स हैं, वो आपको अवेलेबल करवा देगा। तो एक दूसरे का साथ देके आप अभी आगे बढ़िए, ठीक है, किसी भी तरीके से बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर वाले क्या होते हैं, थोड़े सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, ज्यादा फेसबुक पे विश्वास रखते हैं, लोगों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए आपके लिए जरूरी है काम। ठीक है, कैसे भी करके आप किसी भी तरीके से आप अपने को थोड़ा सा लॉकडाउन के अंदर लेके आए, वो लॉकडाउन अलग था, ये आपकी लाइफ का लॉकडाउन है, आपको यदि 20 दिन रुकना ही एक जगह, ठीक है ना, तो आप रुकोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको 20 दिन कतई ही एक जगह आपको टिक के रहना है, ठीक है, एक जगह टिक के रहोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये मेरा था, कल मैं लाइव में ज्यादा नहीं कर पाया इतना स्ट्रेटजी वगैरह पे, तो आप फाइनल वालों के लिए बता दूं। हाँ, एमएससी प्रीवियस वाले भी ध्यान देना भाई, क्वांटम को लगातार पढ़ते रहे भाई, क्वांटम में नंबर बहुत कम आते हैं, कितना भी अच्छा लिख के आओगे नंबर नहीं आएंगे, देख लेना 69 या फिर 70, ठीक है, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाओगे आप, मैक्सिमम हाइएस्ट मार्क होंगे, जनरल बताया कोई एक दो एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़े भाई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पेपर क्या अजीब गरीब आता कई बार, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े डेरिवेशन दे, वो छोटे क्वेश्चन भी दे देगा, इसलिए आपको जनरल इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए सारी चीजों की, क्लासिकल पेपर ही आएगा, टेंशन मत लो मैथमेटिकल का। हाँ जी, मैथमेटिकल में एक ध्यान रखें, लाप्लास और फूरियर रिड्यूसर आएंगे आज पेपर होते हैं, तो याद रखना ऐसे नहीं है कि मुंह उठाकर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देते हैं, वो पहला क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चन देंगे लाप्लास के, 2 क्वेश्चन दे दिया 3 क्वेश्चन दे दिए, तो उन्हें पहला क्वेश्चन ऐसा होगा आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि इसका ये होगा, और आप कॉपी में टिका दोगे उसको और नीचे वाले 2 का पता ही नहीं है आपको, तो वैसा काम मत करना, पहले चेक कर लेना कि उन कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट आ रहा है, तो पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है ना, ध्यान रखें, यदि आप उतना करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको आगे जो मार्क्स हैं उनमें भी अच्छा होगा, ठीक है ना, और कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7611981111 नंबर दिए हुए सारी जगह सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पहुंच जाएगी एक बार, हाँ ऐसा कुछ नहीं पूरे दिन ही पढ़ना है, पूरे दिन भी नहीं पढ़ना है, आराम से खेलो, ऐसे स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि चलो भाई एग्जाम आ गया अब तो बस अपने को दमादम में पढ़ना, नहीं, आपका जो कंटिन्यू 6 से 7 घंटे की स्टडी उसको कीजिए, आराम से सोइए, बढ़िया खाना खाइए टाइम पे और बढ़िया नींद लीजिए, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भगे भगे काम करना, पर पढ़ना है ये नहीं है, पहले की तरह ये नहीं है फेसबुक व्हाट्सएप चलो चलाओ कोई 5-10 मिनट के लिए इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करने के लिए, उसके बाद बंद करके रखो, ऐसे नहीं है 1 मिनट मोबाइल चलाया अरे यार ये तो मैसेज आ गया इसको तो कर ही देता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ज्यादातर इंपॉर्टेंट हो गए मैसेज आते हैं, ठीक है ना, तो आप उनको एक बार थोड़ा सा पीछे छोड़िए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगे सही है ठीक है, रेगुलर पढ़ाई करें और जो भी काम हो वो जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे संपर्क करें, ठीक है, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके जो टाइम टेबल आया उसके लिए, ठीक है, थैंक यू।